लेकिन एक बात तो जरूर है, देखते पारी कि की रकम गान करबे कांग्रेस, कांग्रेस की रकम गान करबे। आदरणीय एमपी साहब राजू बिस्टा जी और मेरे मित्रों, सभी ने जो भजन गाया है हम इससे बेलाइन कैसे हो सके, फिर मैं भी एक भजन गाता हूं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। भाजी जबरदस्त, सारे लोगों ने तो गा के बता दिया, लेकिन छेत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब वो मुझे नहीं मालूम क्या कहने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। जी छेत्री साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? सभी गा रहा था, मैं भी कुछ एक बंगला में भजन गा लेता हूँ। बंगला में क्या बात है दादा, की सुंदर बांग्ला बांग्ला दादा दादा एक मिनट देखो। हाँ जी, जोदि मोरन आमार सामने आछे তুমি জানবো যিশু গো তুমি রহেছ পাশে, এমনি করে এতে পার হয়ে যায় জীবন বাকি কতদিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছে, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছে, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনদিন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বহুত বহুত শুকরিয়া বাজি। डिबेट ओपन है, कोई भी सवाल कुछ भी कर सकता है, बात कर सकता है, सुन सकता है। गजब आपने दाढ़ी बनाई है भाई, इधर आगे आइए, इधर आइए। इसको कहां तक ले जाने का विचार है? कहां तक? मोदी तक। गजब है बाजी, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करने वाला हूं। और ये डिबेट ओपन है, अब तमाम सारे लोगों के सवाल जवाब जो भी हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट है, योगी जी आज आए, बाबू कुर्सी रख लो, अब बैठ जाओ। योगी जी आज मौजूद थे, उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। हम सोनार बांग्ला के बारे में बोल रहे हैं और सोनार बांग्ला बनाएंगे, क्योंकि हमने राम मंदिर के बारे में बोला था तो हम राम मंदिर बनाया। प्रणाम। टीएमसी विल आंसर एंड राजू बिस्ता विल रिस्पॉन्ड। बीजेपी जो कहती है वही काम यदि बीजेपी करती, 2 करोड़ नौकरियां हर आदमी देश के वासियों को हर साल मिलती, 15-15 लाख रुपया घर में मिलते, सुशासन मिलता, देश की अग्रगति मिलती, ये सारी चीज कहां है? अभी योगी जी ने 2 दिन पहले ANI के एक रिपोर्टर को क्या शब्द कहा है, ये वैसे लोग हैं, वैसी बात करते हैं और वैसा ही काम करते हैं। जी देखिए, मोदी जी ने ये साबित किया है पिछले 7 साल में कि भारतीय जनता पार्टी का जो वादा है वो सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं है, वो संकल्प पत्र है। और देश के अंदर में ऐसे मुद्दे कोई भी राजनीति पार्टी उसको हाथ नहीं लगाना चाहती थी, उसको करके दिखाया है। चाहे 370 का हटना हो, चाहे CAA कानून हो, बोरोलैंड की समस्या का समाधान हो, या तक राम मंदिर का बनना। सो ये एक लीडरशिप की पहचान है। बाकी सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश को ताकतवर बनाने की काम करती है और आगे भी हमारा यही प्रण रहेगा। जी जब सांसद महोदय बोल रहे थे तो छेत्री जी हंस रहे थे कि जो कहती है वही करती है, और छेत्री जी हंस रहे थे। आप हंस क्यों रहे थे मुझे बताइए? क्योंकि बीजेपी जो बोल रहा है ना, बीजेपी एक झूठ का राजनीति करता है, जो वायदा करता है वो पूरा नहीं करता है। बीजेपी एक विस्तारवादी पार्टी है, विस्तारवादी पार्टी है। जो आपका कौन सा वादा जो पूरा नहीं हुआ? बीजेपी ने
गोरखाओं को बहुत सारा वादा किया है जो कि जैसे कि देखिए पश्चिम बंगाल में प्रथम बार कमल का फूल खिलाने वाला एक गोरखा लोग ही है और जो वायदा बीजेपी ने किया था खुद ही नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ आप पधारे और 2014 में भी उन्होंने बोला था कि गोरखा का सपना मेरा सपना है और 2016 का विधानसभा में उतरा यहीं पर शिव मंदिर जो उतरा है उन्होंने कहा था अभी तो मेरा ही सरकार है मैं कल से ही शुरू कर दूंगा आप लोग का तो छूटा हुआ गोरखा का 11 जाति एक एक जाति का नाम लेकर अब देखिए कहाँ पूरा क्या कहाँ पूरा क्या। देखिए ये बहुत सही मुद्दा इन्होंने उठाया है। मुझे पूरे 2 मिनट लगेंगे इसका रिप्लाई देने में। देखिए पहला सवाल तो जीजीएम को पूछना चाहिए कि 2017 के आंदोलन में जिन 13 गोरखा भाई बहन को जिस पार्टी ने मारा वो था टीएमसी और आज ये टीएमसी के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं। सो पहले तो इनको जनता को बताना होगा कि ऐसी मजबूरी क्या थी कि आज आप टीएमसी के गोद में जाके बैठ गए हो। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए मैं सांसद 5 साल के लिए हूँ और हमने संकल्प पत्र में पहले शेल्टर क्यों दे रहा आप, पहले आप लोगों ने शेल्टर दिया था दिल्ली में, छुपा के कौन रखा था आप लोगों ने रखा था। तो इसका अर्थ ये है कि ये कहते हैं कि बिमल गुरुंग आतंकवादी थे, अगर बिमल गुरुंग आतंकवादी थे तो फिर आपने उनको अपने साथ क्यों मिला लिया। पहले तो फेक चार्जेस और केसेस लगा करके उनको साढ़े तीन साल तक आपने उनके ऊपर में जो है साढ़े तीन साल तक फेक केसेस लगा करके आपने उनको विस्थापित बनाया। इतना ही एक व्यक्ति नहीं बल्कि 5,000 से ज्यादा युवाओं को टीएमसी सरकार ने उनको घर से दूर रहने के लिए मजबूर किया और ये टीएमसी ऐसी दोगली सरकार है जब इनकी वोट बैंक की राजनीति